भिलाई इस्पात संयंत्र साइकिल पोलो क्लब व छत्तीसगढ़ साइकिल पोलो संघ के संयुक्त तत्वावधान में 17वीं पुरुष एवं 13वीं महिला फेडरेशन कप राष्ट्रीय साइकिल पोलो चैंपियनशिप 2023-24 का शुभारंभ बुधवार को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल शामिल हुए। छत्तीसगढ़ साइकिल पोलो संघ व साथ ही भिलाई इस्पात संयंत्र साइकिल पोलो संघ के संयुक्त तत्वावधान में 17वीं पुरुष एवं 13वीं महिला फेडरेशन कप राष्ट्रीय साइकिल पोलो चैंपियनशिप 2023 व 24 का 3 दिवसीय आयोजन सिविक सेंटर बीएसपी साइकिल पोलो मैदान में किया जा रहा है। बुधवार को इसका विधिवत शुभारम्भ भी किया गया। बुधवार को आयोजन का शुभारम्भ पर जिले के सांसद विजय बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके साथ ही भिलाई इस्पात संयंत्र के ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर विशेष रूप से शामिल रहे। साथ ही भिलाई इस्पात संयंत्र के आला ऑफिसर्स भी यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगीत का आयोजन किया गया। इसके साथ ही अतिथियों ने खिलाड़ियों से भेंट की। इस मैच के अंपायर श्रीकांत सागरकर तथा उसी तरह भारतीय वायुसेना में खेलेंगे 4 नंबर की जर्सी पहने विष्णु, 1 3 नंबर की जर्सी में है असुरुद्दीन शाह, 1 नंबर की जर्सी में अनफर, 2 नंबर की जर्सी में है जीजीराज, थोड़ा पीछे हो जाएगा, फहराकर राष्ट्र और इस विशाल खेल आयोजन के प्रति। तत्पश्चात मुख्य अतिथि के उपस्थिति में खेल का आगाज किया गया। केरला टीम के पास एक मौका है, देखते हैं इस मौके का कितना फायदा उठा पाती है केरला टीम। लंबा हिट लगा के पास कर दिया अपने साथी खिलाड़ी 1 नंबर की जर्सी पहने केरला टीम के खिलाड़ी को, मगर वहां पे पहले से मौजूद इंडियन आर्मी टीम के खिलाड़ी बॉल को घुमाया, दिशा दी, देख रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी को पास देने के लिए, पास दे दिया अपने साथी खिलाड़ी 3 नंबर की जर्सी पहने पीयूष सिन्हा के लिए, बहुत ही अच्छा वहां पे बॉल को नियर हैंड लेकर बॉल पर आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से एस संतोष राव, अच्छा मौका है यहाँ पे उनके पास, लगाया हिट और बॉल दिशाहीन, बॉल बैकलाइन के बाहर, अच्छा मौका था इनके पास हैट्रिक बनाने का मगर चूके। हिट लेने के लिए तैयार एक बार फिर से एस संतोष राव, लंबा हिट लगा के पास कर दिया अपने साथी खिलाड़ी पीयूष सिन्हा के लिए, पीयूष सिन्हा बॉल पर एक बार फिर से मौजूद, तेज गति की रफ्तार से बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए नियर हैंड लगाया, बहुत ही अच्छा बचाव यहां पे केरला। एक बार फिर से बॉल को तेज गति से लेकर आगे बढ़ते हुए इंडियन आर्मी, हल्का सा पास दिया अपने साथी खिलाड़ी पीयूष सिन्हा के लिए बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, मगर एक बार फिर से बचाने में कामयाब लेकिन चूकी, और एक बार फिर से मौका मिला इंडियन आर्मी को एक और गोल ताकने में। और यहाँ पे 17वें पुरुष एवं 13वीं महिला फेडरेशन कप राष्ट्रीय साइकिल पोलो चैंपियनशिप में देश भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। चैंपियनशिप का उद्देश्य अतिथियों ने इस प्रकार से बताया। 17वीं मेंस और 13वीं वुमेन्स फेडरेशन क्लब के इस आयोजन के लिए हमारा सौभाग्य है। ये कार्यक्रम चन्ना सर के संरक्षण में परमेंद्र जी जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं और आयोजन समिति के भाई रमेश श्रीवास्तव जी, इन सब के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बच्चों को भी। और साइकिल पोलो में हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे, खासकर भिलाई दुर्ग के बच्चे बहुत अग्रणी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर नाम इन्होंने छत्तीसगढ़ का रोशन किया है। अनेक विभाग में भी साइकिल पोलो के कारण इनकी नौकरी भी लगी है, ये उपलब्धता हमारे छत्तीसगढ़ की है। आज इन सारे प्रदेशों से जो आए, 8 प्रदेशों से के बच्चे यहाँ खेलेंगे, छत्तीसगढ़ हमारा मेजबान है और 7 प्रदेश के जो बच्चे आए हैं और ऑफिशियल आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। छत्तीसगढ़ की टीम पहले ही बताया अनेक उपलब्धि हासिल की है और अपने होम ग्राउंड में निश्चित रूप से वो उपलब्धि हासिल करेंगे। मैं भी यहाँ पे मॉर्निंग वॉक रोज़ जाता हूँ और बच्चे बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे, यहीं पे साइकिल पोलो खेल उनको खेलते देखता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और आज टूर्नामेंट के तौर पे मेरा आना हुआ, ये मेरा सौभाग्य। अपील करेंगे? नहीं नहीं, आज पहले दिन है, लगातार भीड़ बढ़ेगी, पहले दिन थोड़ा सा रहता है और जब संडे और शनिवार ज़्यादा थोड़ा सा चार्मिंग हमारे यहाँ भिलाई का एक कल्चर है, शाम को भीड़ लगती है,
अब देखेंगे कि लगातार भीड़ बढ़ रही है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भिलाई वासियों को बधाई देता हूँ। ये हमारे बड़े खुशी और हर्ष की बात है कि 10 साल बाद फेडरेशन कप साइकिल पोलो का आयोजन भिलाई क्षेत्र में हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के लिए पूरे गौरव की बात है कि पूरे हिंदुस्तान से, जिसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और भी केरल, महाराष्ट्र और बहुत सारे जगह की टीमें यहाँ पर आई हैं और पार्टिसिपेट कर रही हैं। 10 साल एक लंबा समय होता है और कोई भी फेडरेशन कप का जब आयोजन करता है तो भारी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके लिए हमको सबसे ज़्यादा सहयोग जो मिला है BSP साइकिल पोलो एसोसिएशन के, जिसके अध्यक्ष माननीय परिवेंदर जी हैं, और उसके अलावा जो हमको विशेष सहयोग मिला बंछोर जी का, जो भिलाई स्टील प्लांट के OA के प्रेसिडेंट हैं, चन्नावार जी के विशेष मार्गदर्शन में इस का आयोजन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात जो है, हम इस साइकिल पोलो कार्यक्रम को और खेल को आशीर्वचन देने के लिए परसों माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी उपस्थित हो रहे हैं। तो मैं पूरे क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। और एक और जानकारी आपके साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं कि जो आज इंडियन आर्मी की टीम खेल रही है यहां पर, जो आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही है, उसमें 5 जो खिलाड़ी हैं वो मूलतः भिलाई के हैं। ये हम लोग के लिए बड़े हर्ष और खुशी की बात है। उनकी नौकरी इसी खेल के माध्यम से लगी थी यहाँ पर। यही शुभकामनाएँ हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस बात को आम जनता, छत्तीसगढ़ की जनता और भिलाई की जनता के बीच में लाएं। धन्यवाद। मैं नरेंद्र कुमार बंछोर, वर्तमान में स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हूँ और BSP ऑफिसर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, साथ ही BSP साइकिल क्लब जो हमारा, उससे मैं जुड़ा हूँ, उसका अध्यक्ष हूँ और इस कार्यक्रम से शुरू से जुड़ा रहा। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो हमारे जितने भी साइकिल पोलो से जुड़े हुए पुराने लोग हैं, चाचा नेवार जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, इन लोग शुरू से बनाते रहे। और ये सच्चाई है कि भिलाई ने खेलों को हमेशा आगे बढ़ाया है। भिलाई स्टील प्लांट इसके लिए हमेशा प्रयास करता रहा है और उसी का परिणाम है कि आज साइकिल पोलो इस स्तर पर पहुँचा है। तो भिलाई इस बात के साथ साथ खेलों में, संस्कृति के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा है। और साइकिल पोलो में तो मैं कहूँ कि छत्तीसगढ़ साइकिल पोलो की बात करें तो भिलाई की भूमिका अहम है और उसमें महिला जो हमारी ग्रुप है, उन्होंने 14 नेशनल जीते हैं। तो वो पूरी टीम आप देखेंगे तो भिलाई का उसमें प्रतिनिधित्व है। तो ये सच्चाई है कि आज साइकिल पोलो को आगे बढ़ाने में भिलाई की अहम भूमिका, और छत्तीसगढ़ साइकिल पोलो अपने आप में बहुत अच्छा प्रयास करता हुआ और उस प्रयास में हम सब भागीदार बने। तो इस प्रयास के लिए आज हम लोग नेशनल, आज हमारा हो रहा है यहाँ जो 17 पुरुष का है, 13 वुमेन का है, और इस नेशनल में सभी खिलाड़ियों को बहुत अच्छा मौका मिलता है। और अच्छी चीज़ ये है कि जो खिलाड़ी नए होते हैं उनको सीखने का मौका मिलता है। और इस तरह के आयोजन हमेशा इन गतिविधियों को बढ़ाने से साइकिल पोलो में हमारी टीमें नेशनल, इंटरनेशनल तक और आगे बढ़ेंगी। और यही उम्मीद कि इस इस्पात बिरादरी में खेलों का विकास हो और इस तरह के जो संगठन जिस खेलों को आगे बढ़ाते हैं उनके लिए हम लोग पूरा सहयोग प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ये सच्चाई है, लेकिन इसके कारण भी है। देखिए, ये कारण क्या है कि कुछ एक खेलों को हमने बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया। आप देखेंगे कि क्रिकेट का एक छोटा सा भी आयोजन होगा तो दर्शक भी मिलेंगे और मीडिया भी मिल जाता है। तो ये आप सबका भी दायित्व है, हम सबका भी दायित्व है कि सभी खेलों को बराबर प्राथमिकता दें। देश का अगर हम राष्ट्रीय खेल अगर हॉकी को कहें तो आज जो आप देखेंगे भिलाई के किसी ग्राउंड में आपको हॉकी का स्टिक लेके कोई प्लेयर नहीं मिलेगा। तो ये हम सबकी अहम भूमिका है कि हम अपने उन खेलों को, जिन खेलों से हमारे देश में हम हमेशा ओलंपिक में गोल्ड जीते थे, नेशनल लेवल जीते, तो वो आज पीछे हो चुके हैं। तो ये सच्चाई है कि हमने किसी एक खेल को बहुत आगे प्राथमिक बनाया और हम सबका दायित्व भी बनता है कि बाकी खेलों को हम आगे बढ़ाएं। और इसके लिए जितने संगठन हैं, जितने हमारे BSP के मैनेजमेंट के लोग हैं, हम सबका प्रयास होना चाहिए कि बाकी खेलों को भी उसी तरीके से देखें जिस तरह क्रिकेट को देखते हैं। जनभागीदारी बहुत ज़रूरी है, हर खेल का अपना महत्व है, हर खेल के माध्यम से इस खेल में देखिए। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे खेल हैं जहाँ पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, कम पैसे में भी लोग खेल पाते हैं। मैंने साइकिल में देखा, साइकिल की जो टीम चन्नेवार जी ने मुझे, दोनों टीम से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था पहले, जो साइकिलिंग की, साइकिल पोलो की, बहुत ही गरीब तबके के बच्चे जिनके माँ बाप यहाँ पे रोज़ की रोजी कमाते हैं, है ना, रोज कॉन्ट्रैक्ट लेबर में काम करते हैं, उनको मैंने देखा यहाँ साइकिलिंग करते हुए। तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ बहुत जगह है और ऐसे संगठन है जो इनको बढ़ावा देते हैं। तो ये प्रयास हम सबका होना चाहिए, यह सच्चाई आपने कही, इससे प्रयास हम सबका होना चाहिए। हम लोग को जो मैसेज मिला था आज से 1-1.5 महीना पहले,
चिन्नावर सर के माध्यम से मिला था कि साइकिल पोलो फेडरेशन कब कराना है, 70वीं पुरुष और 13वीं महिला फेडरेशन कब कराना है। तो पिछला एक सौ महीने से हम लोग लगे हुए थे, हमारे बंछोर जी थे, साथ में हमारे श्रीवास्तव जी थे, सारे लोगों ने मिल के चिन्नावर सर के गाइडेंस में हम लोगों ने आज का जो दिन है उस तक लाने के लिए जो मेहनत की वो आपके सामने है। और इस कार्यक्रम में इस फेडरेशन कप के लिए 6-8 पुरुष और 8 महिला टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, कुल मिला के 160 खिलाड़ी हैं और ऑफिशल्स को मिला के करीब 200 के लगभग ऑफिशल्स हैं, साथ में प्लेयर्स के साथ में 40 ऑफिशियल 160 प्लेयर्स हैं, 200 के लगभग आए हैं। वो हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है, भिलाई स्टील प्लांट का इसमें बड़ा से योगदान रहा, ये ग्राउंड भिलाई स्टील प्लांट के माध्यम से मिला है और यहाँ जो व्यवस्था की गई है उसमें भी काफ़ी बड़ा सहयोग रहा है भिलाई स्टील प्लांट का। और हम लोग चाहेंगे कि ये आयोजन बड़ा सफलतापूर्वक पूर्ण हो और आज के हमारे जो प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष हैं, मुख्य अतिथि हैं आदरणीय विजय बघेल जी, वो थोड़ी देर में अभी उपस्थित होंगे बॉल रोल के लिए। और इस कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं श्री नरेंद्र कुमार बंछोर जी और राघवेंद्र सिंह डंडलोदा जी, वो उपाध्यक्ष हैं टेक्निकल कमेटी के अंतर्राष्ट्रीय साइकिल पोलो फेडरेशन के, और एशियन जो साइकिल पोलो फाउंडेशन है फेडरेशन उनके भी वो अध्यक्ष हैं, और हमारे एक सलाहकार हैं गजानंद बुराड़े जी जो समय पे हमारे को और भारतीय साइकिल पोलो को मार्गदर्शन करते हैं। कोई के अध्यक्ष जल्द से जल्द और फाइनल 5 तारीख को होगा। फाइनल में हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे, तो उनका भी हमें सानिध्य प्राप्त होगा। वो पिछले विगत 15 सालों से अधिक समय तक वो CM रहे छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ के जब वो CM थे तो वो छत्तीसगढ़ पोलो से काफ़ी नज़दीक से जुड़े हुए थे। हमारे बड़े भाई रमेश चंद श्रीवास्तव जी, ये काफ़ी उनके साथ सानिध्य उनका प्राप्त है, तो वो रहेंगे। और कल्पना मैडम है स्पोर्ट्स की अपना दुर्ग जिले की, उनका भी सानिध्य प्राप्त होता रहता है। और हम लोग डेफिनेटली अब ये टास्क लिए हैं तो छत्तीसगढ़ पोलो संघ और भिलाई स्टील प्लांट पोलो संघ मिलके इसको सफल आयोजन के रूप में परिवर्तित करेगा। धन्यवाद। विनायक चंदावार, जॉइंट सेक्रेटरी साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया, और साथ में छत्तीसगढ़ साइकिलिंग का भी मैं सेक्रेटरी हूँ। 2003 से मैं साइकिल पोलो का सेक्रेटरी रहा हूँ, अभी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ फेडरेशन का। और हमने 2003 से खेल शुरू किया था, जब हमें कुछ मालूम भी नहीं था कि साइकिल पोलो क्या होता है। फेडरेशन के कुछ लोग आए थे, हमने शुरू किया, उसके 2005 से हमको मेडल मिलना शुरू हुए। अभी तो स्थिति यह है कि पिछले 14 वर्षों से सब जूनियर गर्ल्स को लगातार हमें गोल्ड मेडल मिल रहे हैं। जूनियर गर्ल्स को पिछले 7 साल से लगातार गोल्ड मेडल मिल रहा है। इसके पहले तो जो मेडल है वो अलग है, मैं आपको ब्रोशर दूंगा। और सीनियर महिला को भी हमारे अभी पिछले 9 साल से गोल्ड मेडल है, पिछले साल भी हमारा गोल्ड मेडल है, और अभी भी हम बता रहे हैं कि हमें गोल्ड मेडल की पूरी उम्मीद है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारे बच्चों को नौकरियाँ मिल रही, वो गरीब बच्चे अधिकांशतः मरोदा स्कूल रिसाली इधर के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो 10-11 साल से यहाँ खेलने आते हैं, उम्र में आते हैं, हम उनको तैयार करते हैं, सब जूनियर में गोल्ड मेडल लेते हैं, फिर जूनियर में गोल्ड मेडल लेते हैं, और खेल युवा कल्याण द्वारा जो पुरस्कार मिलते हैं, मैं सोचता हूँ कि यदि हमारे संघ को करीब करीब सबसे ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो बहुत अधिक पुरस्कार मिलते हैं। 3 साल पहले जो खेल युवा कल्याण का जो फंक्शन हुआ था उसमें 2 साल से पुरस्कार मिले थे, कुल 15 लाख रुपये इन बच्चों को मिला था, 48 बच्चों को। इसके अलावा शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद कौशलाध्य पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार, मुख्यमंत्री अवार्ड जूनियर, मुख्यमंत्री अवार्ड सीनियर, सब हमारे खिलाड़ी, कोई ऐसा अवार्ड बचा नहीं जो नहीं मिला हो। और अभी हम तो बता रहे हैं कि देश में हम लोग नंबर 1 पे हैं। तो अभी कल बात हो रही थी, प्रेसिडेंट साहब भी हमारे फेडरेशन से बात हो रही थी कि यहाँ तो बाकी लोग ये सोचते हैं कि पहला छत्तीसगढ़ को आना है सब जूनियर गर्ल्स में, दूसरे की आप तैयारी करो, वही हाल जूनियर में, वही हाल सीनियर में। इसमें सबसे बड़ी मुख्य भूमिका है हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र की। इतना बड़ा मैदान किसी शहर में, किसी प्रदेश में कोई नहीं प्रोवाइड करता। जो हमें कराते हैं वो मेंटेनेंस भी कराते हैं, स्टील प्लांट हमको बहुत सुंदर बना के देते हैं। और हमारे साथ में बंछोर जी, परविंदर जी और प्रमोद सिंह जी,
और नंदनवार जी और अपना अध्यक्ष महोदय हमारे, अभी ऐसे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जिससे हमको किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी भविष्य में। ये आयोजन एक गौरवपूर्ण मौका है भिलाई स्टील प्लांट और भिलाई नगरी के लिए कि इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। मैं इससे जुड़ा हूँ, साइकिल पोलो साइकिलिंग दोनों से पिछले 15 साल से, और यहाँ पे जो बिल्कुल ही अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, इन बच्चों को क्लास 5वीं 6वीं से यहाँ बुलाकर उनको डेवलप करना और उनको आज ऐसे जगह पे पहुँचा देना कि वो इंडियन आर्मी और टेरिटोरियल आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में नौकरी कर रहे हैं, तो इसका श्रेय जो है ज़रूर भिलाई इस्पात संयंत्र, BSP साइकिल पोलो क्लब और छत्तीसगढ़ साइकिलिंग और साइकिल पोलो क्लब को जाता है, और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है जो हम लोग यहाँ पे इस बार कर पा रहे हैं। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का समापन 5 जनवरी को किया जाएगा। समापन अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह विशेष रूप से शामिल होंगे। इस दौरान विजयी प्रतिभागी खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट।